तो गाइस यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ये दोनों कार्स के बीच में फाइट कराने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कार एकदम बजट में आती है और बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से चल सकती है। ये है टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार, ये WLDOS A959 मॉन्स्टर आरसी कार। आज इन दोनों की मैं फाइट करूंगा बहुत सारी आरसी कार्स के साथ। जैसे कि ये है ग्रेव डिगर फ्री स्टाइल फोर्स आरसी कार, ये है मैड रेसिंग आरसी कार, ये भी थोड़े से कम प्राइस में ही मिल जाएगी, और ये है एक WLDOS की डंपर ट्रक। चलो गाइस फटाफट से करते हैं सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी कार जीतती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास कम प्राइस वाली कार है या फिर लो प्राइस वाली कार है, इसको अनबॉक्स करते हैं। अंदर हाई स्पीड कार्बन ब्रश मोटर लगाई गई है, देखते हैं क्या ये कार आज हमारी दूसरी कार्स के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। अगर आप ये कार को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। इसको मैंने 4500 रुपीज में खरीदा था, तो मेरे को ये कलर से ज्यादा ये ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद था यार, पर मेरे को ये मिला नहीं। कार का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है, एकदम मीडियम साइज की कार है। ये इसके कुछ है, चार्जर है और यहाँ पे एक स्पैनर भी दिया गया है व्हील्स वगैरह खोलने के लिए। ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, इसके साथ लेन बैटरी मिलती है 1200 mAh की। यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट काफी ज्यादा सॉलिड है यार, कार से तो अच्छी क्वालिटी मेरे को इसके रिमोट की लग रही है। दो नॉब्स है, ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे स्टीयरिंग है, ये इसका ट्रिगर है। नीचे की तरफ 3 AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। अब इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की इसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सामने की तरफ प्लास्टिक का बंपर भी है और ये बंपर काफी ज्यादा हार्ड है। ऑयल फील्ड सस्पेंशन भी इसके अंदर दिए गए। अंदर की जो पार्ट्स है ये भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोटर है ऊपर की तरफ, एयर कूल्ड फिन्स भी इसके ऊपर दिए गए। यहाँ पे इसका ड्यूएल ESC दिया गया। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स काफी अच्छे हैं, ये कार ऑफ रोड में भी बहुत बढ़िया तरीके से चल जाएगी। ओके अब अनबॉक्स करते हैं टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार को। इसका प्राइस है 7500 रुपीज, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे दिया, वहां से जाकर आप चाहे तो टाइगर टेक सुपर सोनिक को भी खरीद सकते हो। इसकी पैकिंग मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगती है और ये कार का कलर भी देखो यार एकदम तगड़ा है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है ये कार। तो पैकिंग को पहले मैं यहां से हटा देता हूं, इसके साथ बहुत अलग अलग पार्ट्स मिल जाते हैं और एसी वाली बैटरी भी मिल जाती है। लाई पॉलीमर 7.4 वोल्ट 1600 mAh की 30C बैटरी भी दी गई है। यहाँ पे इसका व्हीली बार है, व्हीली बार बहुत ज्यादा छोटे साइज का है। यहाँ पे एंटी कोल्यूशन बंपर दिया गया है, आप चाहे तो एंटी कोल्यूशन बंपर लगा सकते हो या फिर व्हीली बार भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो यार इसका स्पॉइलर भी अलग मिल जाता है, इसको हम लोगों को यहाँ पे फिट करना पड़ता है। फिलहाल ये कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। कलर देखो यार बहुत ज्यादा यूनिक मेरे को इसका लगता है, पिंक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में कार बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। व्हील्स पूरे के पूरे रबर के बने हुए हैं और यहाँ पे ग्रिप भी काफी अच्छी खासी दी गई है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक टी बार देखने को मिल जाता है और ये टी बार पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे ड्यूएल ESC है, इसके अंदर भी डिजिटल सर्वो देखने को मिल जाता है, ऐसे स्टील वाले शॉक एब्जॉर्बर भी इसके अंदर दिए गए। ये कार के साथ ऐसे कार्ड भी मिल जाते हैं, इसके साथ हम लोगों को वारंटी कार्ड भी मिलता है, चार्जर भी मिलता है और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट काफी ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग इसके गियर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3 गियर्स इसके अंदर दिए गए। स्टीयरिंग के पास ऐसा एक एक्सटेंशन भी देखने को मिल जाता है ताकि हम ये स्टीयरिंग को सिंगल हैंड से भी ऐसे कंट्रोल कर सके, ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। ऊपर की तरफ दो नॉब्स है, एक ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ WLDOS की तरफ से आने वाली सबसे ज्यादा लो प्राइस कार। अगर आपको मॉन्स्टर कार खरीदना है तो आप ये कार खरीद सकते हो WLDOS की, अगर आपको बग्गी टाइप खरीदना है तो ये कार आप खरीद सकते हो। दोनों ही कार्स का प्राइस बिल्कुल सेम है। आज मैं आपको जितनी भी कार्स बता रहा हूँ ना गाइस, ये सभी कार्स का प्राइस 7000 के बिलो में ही आपको मिल जाएगा। चलो फटाफट से इसको भी मैं अनबॉक्स करके बता देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ 6500 रुपीस में खरीदा था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी बैटरी काफी सही बैटरी दी गई है इसके साथ। ये रही हमारी कार, इसका भी साइज आप देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा देखने में लग जाता है पर ये कार ऑफ रोड में बहुत तगड़े तरीके से चल सकती है। दूसरी कार अगर हम हाई स्पीड में चलाते हैं तो वो सही से कंट्रोल नहीं होती है। ये कार का रिमोट बहुत अच्छा होने के कारण ये कार को हम लोग कहीं पे भी और बहुत ही स्पीड से भी चला सकते हैं। यहाँ पे इसकी मोटर है, मोटर के ऊपर ऐसे फिन्स भी देखने को मिल जाते हैं, इसकी भी चासिस हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट काफी ज्यादा सॉलिड है और यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, ये इसका एंटीना है। ओके यार सभी कार्स और ट्रक को मैंने यहाँ पे रख दिया है, आज इन सब की फाइट कराऊंगा मैं मॉन्स्टर जैम फ्री स्टाइल फोर्स आरसी कार के साथ। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, लेट्स गो एंड फाइट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर, सभी मिनी मॉन्स्टर आरसी कार्स को मैंने रख दिया है, एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऑसम है। ये कार मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं XLF X03 चला रहा हूँ, क्योंकि ये XLF X03 का ही मिनी वर्जन मेरे को लगता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी है और इसकी स्पीड देखकर कितनी ज्यादा सुपर्ब दी गई है। अब ये मैड रेसिंग आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं, इसके प्राइस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस मेरे को जस्टिफाई लगती है। ये कार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी मैंने बिल्कुल
भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब टेस्ट करते हैं डब्ल्यूएटॉस A959RC कार को। इसके रिमोट के कारण ही ये कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है। ये पर इसके अंदर हाई स्पीड चलाने के बाद अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कार ऐसे स्किड करने लगती है। आप टेस्ट करते हैं ग्रेव डिगर फ्री स्टाइल फोर्स RC कार को। ये कार के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, फिर भी इसको चलाना बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर ये वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप एक बटन दबाते हैं तो ये बैक व्हीली करती है और उसके साथ साथ 360 डिग्री भी घूम सकती है और फ्रंट व्हीली भी कर सकती है। फ्रंट व्हीली करते हुए मूव भी कर सकती है और 360 डिग्री घूम भी सकती है। ऐसा सिस्टम मैंने आज तक कोई भी दूसरी कार के अंदर नहीं देखा है। तो अब मैं रेस कराने वाला हूँ सुपरसोनिक आरसी कार वर्सेस मैड रेसिंग आरसी कार के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। मैड रेसिंग आरसी कार पहले तो आगे निकल गई थी, पर टाइगर टेक सुपरसोनिक इससे भी ज्यादा फास्ट है। क्लियरली आप देख सकते हो टाइगर टेक सुपरसोनिक ने खड़ा के रख दिया मैड रेसिंग आरसी कार को रेस में। अब रेस कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट में बोला था कि टाइगर टेक सुपरसोनिक वर्सेस डब्ल्यूएटॉस A959 के बीच में रेस कराने के लिए। तो चलो रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इनिशियल पिकअप डब्ल्यूएटॉस के अंदर ज्यादा है। फर्स्ट राउंड में तो बहुत आराम से जीत चुकी है। सेकंड राउंड में यहाँ पे टाइगर टेक सुपरसोनिक आगे निकल गई थी, पर वापस से डब्ल्यूएटॉस A959 ने इसको ओवरटेक कर दिया है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। डब्ल्यूएटॉस A959 जीत चुकी है रेस को। अब डब्ल्यूएटॉस आरसी कार की मैं रेस कराऊंगा ऑफ रोड में मॉन्स्टर जैम फ्रीस्टाइल आरसी कार के साथ। देखते हैं इन दोनों में से ऑफ रोड में कौन सी कार जीती है, क्योंकि मॉन्स्टर जैम आरसी कार सिर्फ ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे पहले तो मेरे को लगा था कि यार मॉन्स्टर जैम आगे चले जाएगी, पर डब्ल्यूएटॉस इससे भी ज्यादा फास्ट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कार इतनी ज्यादा आराम से इसको भी हरा देगी ऑफ रोड रेस में। अब इसकी रेस कराते हैं डब्ल्यूएटॉस के डंपर ट्रक के साथ। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो इसने ऑफ रोड में भी और रोड पे भी पूरी की पूरी आरसी कार और ट्रक को हरा के रख दिया है। अब तक वो फोर कराते हैं इन दोनों के बीच में। देखते हैं टाइगर टेक सुपरसोनिक सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर हमारा डंपर ट्रक पावरफुल है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान सी लड़ाई चल रही है। दोनों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी खोद के रख दिए। मेरे को नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी जीतेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में हो चुका है टाई। ठीक है यार, पुश बैक कराते हैं। आप देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। टाइगर टेक सुपरसोनिक ने इतने बड़े डंपर ट्रक को भी काफी आराम से रोक के रखा है और ये फुल पावर लगा रही है डंपर ट्रक को पीछे ढकेलने के लिए, पर डंपर ट्रक इससे भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे टाइगर टेक सुपरसोनिक की मोटर ओवरहीट हो चुकी है, इस वजह से ये थोड़ा सा रुक रुक के चलने लगी है। इसी बात का फायदा उठाकर डंपर ट्रक ने इसको पीछे ढकेल दिया है और डंपर ट्रक यहाँ पर जीत चुका है आसानी से। आप पुश बैक कराते हैं डंपर ट्रक वर्सेस मॉन्स्टर जैम फ्री स्टाइल के बीच में। बहुत जोर की टक्कर लगी यार मॉन्स्टर जैम को, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसका दिमाग हिल चुका है। देखो यार, कोई दूसरे ही रास्ते में चलने लग रही है। ठीक है, अब कराते हैं टग ऑफ वॉर। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। डंपर ट्रक बहुत आसानी से मॉन्स्टर जैम को हराने ही वाली थी, पर मॉन्स्टर जैम बहुत ज्यादा पावरफुल आरसी कार है। देखो यार, इसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया है। इसके व्हील के ऊपर ग्रिप बहुत ज्यादा होने के कारण इसने पूरी तरीके से डंपर ट्रक को अब धीरे धीरे घसीटना चालू कर दिया और डंपर ट्रक ने यहाँ पे अपने ब्रेक भी लगा दिए, पर मॉन्स्टर जैम आरसी कार इससे भी ज्यादा पावरफुल निकली है। ये जीत चुकी है टग ऑफ वॉर में। इसने इतने बड़े डंपर ट्रक को भी हरा दिया है। अब ये दोनों कार्स के बीच में पुश बैक कराते हैं। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। मॉन्स्टर जैम ने बहुत आसानी से मैड रेसिंग आरसी कार को हरा के रख दिया है। इतनी जल्दी ये कार हार जाएगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तक ऑफर कराते हैं डब्ल्यूएटॉस A959 वर्सेस मॉन्स्टर जैम के बीच में। यहाँ पे मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में एकदम बराबर वाली टक्कर होगी, पर मॉन्स्टर जैम ने इसको घसीटना चालू कर दिया। यहाँ पे डब्ल्यूएटॉस पूरी मिट्टी इसके ऊपर फेंक के इसको रोकने की कोशिश कर रही है, पर मॉन्स्टर जैम इससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसने द्वारा बड़ी आसानी से हरा के रख दिया इसको टग ऑफ वॉर में। ओके, अब करते हैं वाटर प्रूफ टेस्ट और मड टेस्ट। देखते हैं गाइस कौन सी कार यहाँ से निकल पाएगी। सबसे पहले मैंने टाइगर टेक सुपरसोनिक को टेस्ट करके देखा। ये कार आराम से निकल चुकी थी, पर अचानक से ये बंद पड़ चुकी है। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर पानी भर चुका है यार। अभी इसको मैं थोड़ी देर सुखा देता हूँ। ओके, अब टेस्ट करते हैं डब्ल्यूएटॉस A959 को। इसके बॉक्स के ऊपर तो लिखा था कि ये वाटर प्रूफ कार है, पर ये कार भी देखो यार बीच रास्ते में ही बंद पड़ चुकी है। इसके भी कंपार्टमेंट में पानी जा चुका है और ये भी यहाँ पे बंद हो चुकी है। आप चलाते हैं मॉन्स्टर जैम फ्री स्टाइल आरसी कार को। देखते हैं गाइस ये कीचड़ में से निकल पाती है या नहीं। इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े हैं और इसके ऊपर ग्रिप भी बहुत मस्त है, इस वजह से ये पानी में कीचड़ में बहुत आराम से फ्लोट करती हुई चल रही है। आप टेस्ट करते हैं हमारी सबसे ज्यादा सस्ती मॉन्स्टर कार को। देखते हैं गाइस इसकी परफॉर्मेंस कीचड़ में पानी में कैसी होती है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस से मैं पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका हूँ गाइस। देखो बड़ी आराम से यहाँ से निकल चुकी है। अब करते हैं रैम जंप टेस्ट। सबसे पहले टाइगर टेक सुपरसोनिक को जंप कराएंगे। इसकी जंप तो बहुत तगड़ी थी, पर लैंडिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी यार। पर इसने देखो बहुत दूर तक जंप किया है। अब टेस्ट करते हैं डब्ल्यूएटॉस A959 को। ये प्रॉपर तरीके से जंप नहीं कर पाया यार। इसको प्रॉपर यहाँ पे घास के अंदर स्पीड नहीं मिल पा रही है। सेम हालत आप देख सकते हो मैड रेसिंग आरसी कार की भी है। जैसे मैं इसको घास में चला रहा हूं तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो रही है, इस वजह से ये ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर पा रही है। क्लियरली यहाँ पे टाइगर टेक सुपरसोनिक का विन। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये
सभी आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी, चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। नाम है आदर्श, कानू, हिमांशु, सोहित, अमीनुल, भावेश, आरिफ, विराट, योगेंद्र, आदित्य। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।